नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दिल्ली में पिछले महीने से वायु प्रदूषण अपने चरम पर बना हुआ है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लोग आंखों में जलन की शिकायत भी कर रहे हैं। हालांकि अब दिल्ली वालों को लंबे समय तक ऐसा झेलना नहीं पड़ेगा। दिल्ली वालों के लिए अब एक अच्छी खबर है। ऐसा कहा जा रहा है कि धान की कटाई का मौसम पंजाब और अन्य उत्तर भारतीय राज्यों में खत्म होने वाला है, जिसके बाद कोई पराली नहीं जलाई जाएगी। अब आने वाले कुछ ही दिनों में दिल्ली के लोग साफ हवा में सांस ले सकेंगे। कहा जा रहा है कि दिल्ली वालों को साफ हवा अगले दो हफ्तों में मिलने लगेगी। पंजाब के कृषि अधिकारियों का कहना है कि 95% तक धान की कटाई हो चुकी है और बाकी एक हफ्ते में पूरी हो जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक बाकी 5% फसल जो अभी काटी जानी है, उसमें देर से पकने वाली किस्मों जैसे पूसा शामिल है। ऐसे में साफ है कि इसके बाद पराली जलना बंद हो जाएगा। वहीं किसानों ने भी ये बात स्वीकार की है कि धान की कटाई का मौसम लगभग खत्म हो चुका है, बाकी खेतों को एक हफ्ते में साफ कर दिया जाएगा। चंडीगढ़ के मौसम विभाग का कहना है कि दिवाली की बारिश के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार शुरू हो गया है, पराली जलने के मामलों में कमी आई है, जो हवा की गुणवत्ता में और सुधार लाएगा। पंजाब प्रशासन कृषि में काम करने वाले विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के साथ पराली को जैव ईंधन में परिवर्तित करने के तरीकों पर काम कर रहा है, इससे पराली जलने के मामलों में कमी आएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।